दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब के बारे में, पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या कमी पिछले साल रही थी टीम में और क्या अच्छी चीज़ें इस साल हो रही हैं इस टीम के लिए। तो जितने भी पंजाब के सपोर्टर्स हैं वो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले पिछले साल की अगर बात की जाए तो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 6 पर थी, जहां पर 6 मैच इन्होंने जीते थे और 8 मैच हारे थे। लेकिन दोस्तों ऐसी क्या गलती हुई कि ये टीम जो है वो बाहर हुई, जबकि इस टीम के क्वालिफाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे इनकी टीम के हिसाब से। तो दोस्तों शुरुआती हाफ जब पहले 7 मैच खेले गए तो उसमें से ये टीम जो है वो 6 मैच हार गई थी और उसमें से 3 से 4 मैच जो है वो इनके क्लोज मैच थे जिसको इनको जीतना चाहिए था। इवन कोई भी टीम जो है वो उस पोजीशन में मैच जीत जाती, लेकिन इन्होंने वहीं पर गलती करी। और एक मैच तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऐसा था जो कि इनका आसानी से जीता हुआ मैच था, लेकिन उसको सुपर ओवर में ये टीम लेकर गई और वहाँ पर फिर इनको हार मिली। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती हाफ में जो मोमेंटम था वो टीम के पास नहीं था, क्योंकि जब कोई टीम शुरुआती 7 में से 6 मैच हार जाती है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस जो है वो उसके कॉन्फिडेंस की जो है बैंड बज जाती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि टीम ने कमबैक नहीं किया, टीम ने दूसरे हाफ में कमबैक किया और 7 में से 5 मैच जीते, लेकिन दोस्तों वो काफ़ी नहीं था प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। और ऐसी और दोस्तों पंजाब की टीम ऐसी थी जिसने टीम जो है वो रन बना ली थी, जिसमें कप्तान राहुल और मयंक के रन्स बन रहे थे, लेकिन बावजूद इसके टीम जो है वो जीत नहीं पा रही थी। और उसका सबसे पहला रीज़न था क्रिस गेल का टीम से बाहर होना। दोस्तों गेल जैसे ही टीम में एंटर हुए वैसे ही टीम ने जीत की लय पकड़ ली। तो अगर शुरुआत से ही गेल को खिलाया जाता तो शायद पंजाब की टीम 2020 में इतिहास रच सकती थी। वहीं पर दोस्तों दूसरी वजह थी ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों इस खिलाड़ी ने 2020 के आईपीएल में एक भी छक्का नहीं लगाया, 10 करोड़ के समथिंग ये बिके थे आईपीएल में, लेकिन ये उस पर खड़े नहीं उतर पाए और कहीं ना कहीं मैक्सवेल पर पंजाब की असफलता का ठीकरा हम फोड़ सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा तो मुझे कोई रीज़न जो है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि बॉलिंग में शमी, अर्शदीप बिश्नोई इन सब ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन इनकी कुछ गलतियों की वजह से ही टीम जो है वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। वहीं पर दोस्तों केएल राहुल को इससे ज़रूर सीख मिली होगी और इसी वजह से दोस्तों वो अपनी कमियों पर काम करेंगे 2021 में, जहां पर दोस्तों सबसे पहले तो इनके लिए दो बड़ी खुशखबरी आई हैं, जहां पर इनके दो स्टार खिलाड़ी निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल ने फॉर्म पकड़ लिया। दोस्तों मैक्सवेल ने इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करी थी। इसके अलावा हाल ही में बिग बैश में इन दोनों ने मिलकर एक शानदार पारी खेली है, जहां पर मैक्सवेल ने 47 गेंदों में 71 रन की पारी खेली है, तो वहीं पूरन ने केवल 26 गेंदों में 65 रन की पारी खेली। और दोस्तों पूरन के बल्ले से 2 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के निकले। तो वहीं इसके अलावा मैक्सवेल ने भी 5 चौके और 5 छक्के जड़े हैं। तो पंजाब की टीम का जो बैटिंग लाइनअप है वो इन दोनों के फॉर्म में आने से काफ़ी विस्फोटक हो गया है, जिसमें राहुल, मयंक, गेल, मैक्सी, पूरन जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। हालांकि दोस्तों इनको अपनी गेंदबाजी पर थोड़ा सा काम करना होगा और एक गेंदबाज ऐसा लेना होगा जो कि शमी का साथ दे सके। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर टीम परफेक्ट है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आईपीएल 2021 अगर इंडिया में हुआ तो शॉक मत होइएगा अगर पंजाब की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई हो, क्योंकि टीम पहले से ही संतुलित है और उस ऊपर से अभी ऑक्शन होना बाकी है, तो वहाँ पर टीम ज़रूर से काम करेगी और मेरे हिसाब से पंजाब की टीम फेवरेट रहने वाली है 2021 के सीज़न में। दोस्तों आपकी क्या राय है, कि आपको भी लगता है कि पंजाब की टीम 2021 के सीज़न में कुछ कमाल कर सकती है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या केएल राहुल अपनी टीम को अपना पहला टाइटल जितवा सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जो है वो ज़रूर दें और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। धन्यवाद।